गुड मॉर्निंग, इट्स अनदर डे और आज सोफा भी आ गया फाइनली। अनबॉक्सिंग ऑफ न्यू सोफा। अभी हम सब सो के उठे और सुल्तान बहुत भौंक रहे हैं क्योंकि उसको हमने अंदर बंद किया हुआ है। वेलकम टू माई वर्ल्ड, माई ब्लॉग्स, दिस इज योर चा सेठी। आज है नवरात्र का थर्ड डे, दो दिन बहुत अच्छे गए हमारे और थर्ड डे है आज। होपफुली आगे के सारे दिन भी बहुत अच्छे जाएंगे, जोध में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टच वुड, आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज कल रात में मैं जल्दी सो गई, देन सुबह उठ गई जोत देखने के लिए एंड देन सोई तो फिर सुबह लेट से उठी। फटाफट जा रही पूजा करने के लिए। इट्स 1:31 एंड अखंड जोत इज डूइंग गुड, थर्ड डे, टच वुड, थैंक यू माता रानी। एंड दिस इज स्पेशली फॉर यू गाइज, आई कैन नॉट नेम यू आउट बट आप समझ जाओगे, जिन जिन को मेरी मम्मी व्लॉग में बहुत अच्छी लग रही है उन सब के लिए थैंक यू सो मच। अमेजिंग डे इतने खुशी में भैया यू एंजॉय कर रहे हैं दोनों तीनों अगेन। बुई बुई की बुई इज नॉट फीलिंग स्लीपी, रात के बज रहे हैं एक बट शी इज नॉट फीलिंग स्लीपी। और इसका हेल्पलाइन नंबर, रेस्क्यू नंबर कौन है? अम्मा पाया। गूगल। 1:41. Finally, she slept. Reflection. जो तभी तो बिल्कुल ठीक हो गई है, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जो घी लेकर आए थे वो कुछ ऐसा हो गया था। बिकॉज क्या करते हैं ना ये लोग, मिलावट कर देते हैं। ये शायद डालडा या समथिंग कुछ होगा जो कि बेस में था, जो ऊपर घी था लिक्विड वो तो बहुत अच्छे से काम कर गया एंड देन जब हमने ये उसके नीचे का घी डाला, हमने देखा नहीं ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हो गया था एंड जो वाज लिटरली स्ट्रगलिंग। वो तो थैंक गॉड मैं आज ही वरेका, जो भी नाम है यहाँ का, ये लोकल ब्रांड है, मैं इसका घी लेकर आई थी और फटाफट मम्मी और मैंने दिए के ऊपर से ये सारा घी निकाला, यहाँ रखा जो कि बिल्कुल सॉलिड हो चुका है और इस घी को डाला। जोत ने बहुत साथ दिया एंड थैंक गॉड। नेक्स्ट डे, आज फोर्थ डे है नवरात्रे का और आज भी बहुत अच्छे से हो गई पूजा माता रानी की। कल रात में थोड़ी सी दिक्कत आई थी बट थैंक गॉड वो सॉर्ट आउट हो गया ऑन टाइम। यू गाइस विल फील के रोज यही दिखा रही है, वही पूजा वही सब कुछ, बट मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ बिकॉज व्लॉग बनाने का मेरा मोटिव एक ये भी है, मेमोरीज बनाना है मैंने। डे फोर जो चेक, होम टूर के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि होम टूर दो अपना होना, बट अभी सब कुछ मैनेज नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ रहता है विच वी हैव टू मैनेज। तो एक बार सब कुछ अच्छे से अरेंज हो जाए उसके बाद डेफिनेटली होम टूर इज ऑन इट्स वे फॉर श्योर। 1 hour later. Thank you.
चैन आत्मा ये। अच्छा सुनो, सुसु पोटी करने चले? सुसु पोटी आई है? कहाँ पे आई है? सुसु पोटी आई छत पे चले, छत पे। मैं नहीं जा रही। हैकर है ये? हैकर है ये? ये लड़का हैकर है। Next day. 5 and day 6 as well. Check. नवरात्रि के 7 दिन बहुत अच्छे से पार लग गए हमारे और अखंड ज्योत ने भी हमारा बहुत साथ दिया। अब कल है महाअष्टमी। महाअष्टमी की तैयारी हमने आज से शुरू कर दी है। हलवा, पूड़ी, छोले, इसके अलावा जो मैं कंजकों को पिछले 2-3 साल से देती हूँ, कंजकों को जो भी हम देते हैं हमने उसकी शॉपिंग भी कर ली। अब भैया और साहिल थे नहीं उस टाइम पे घर पे, तो मैंने और भाभी ने ही सारा काम निपटा दिया। जस्ट बिकॉज हम दोनों ही थे और हमारे हाथ पूरे फुल थे विद सो मेनी ऑफ थिंग्स, तो मैं उस टाइम पे वीडियोस नहीं बना सकती थी। बट ऑब्वियस अगर भैया या साहिल दोनों में से कोई भी होता तो मैं शायद शूट कर पाती, बट वो दोनों नहीं थे तो मैं शूट नहीं कर पाई। बट नाउ आई एम होम एंड मैं और भाभी हम दोनों ही बहुत थक गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल सुबह उठ के सारा भोग मैंने बनाना है। मैंने बोला है कि सारा भोग मैं ही बनाऊंगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी सो जाऊँ और जल्दी उठ जाऊँ। और रात में तो 2-3 चक्कर तो मेरे को लगाने ही पड़ते हैं, 2-3 बार तो मेरे को उठना ही पड़ता है जॉब देखने के, बिकॉज मौसम थोड़ा ठंडा है यहाँ पे और इसकी वजह से जोत का जो घी है वो जल्दी जम जाता है और मेरे को उसको मेल्ट कराना पड़ता है, तो परीक्षाएं, बट आई एम रेडी फॉर इट। तो अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी एंड गुड नाइट फॉर ऑल ऑफ यू, और आप सब के लिए मैं माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस, हमेशा खुश रहो।